गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन में तो पहुंच गए, मतलब डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचे कम्प्लीटली, पर आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। और हम आज जा रहे हैं शंतला देवी में, जो कि गढ़ी कैंट में है। गढ़ी कैंट से तो काफी आगे है, बहुत दूर है। मैंने सोचा गढ़ी कैंट में ही है, पर ये तो कैंट से बड़ा कैंट। हम दोनों का प्लान बना 2 बजे के बाद, ठीक है। और अब हम 2 बजे के बाद, अभी बज रहे हैं कितना, 3:30 हो रहा है टाइम, 3:30 बजे हम यहाँ 4 होने वाले हैं, यहाँ पहुँच ही रहे हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ बहुत है चलने के लिए, और उसके बाद हमने नीचे आना है। चलो फिलहाल यहाँ पे ये है कि गाड़ी वगैरह तो मिल ही जाती हैं, ऐसे ज़्यादा टाइम से पहुँचने की, हाँ बस दिक्कत नहीं मेरे साथ। आज बहुत हालत ख़राब हो गई, बाप रे। आज की व्लॉग की शुरुआत की हमने यहीं शंतला देवी के मंदिर से। ये है गाइस संतला देवी का मेन गेट द्वार, और ये भागती हुई जय माता दी, जय माता दी। चल ये चल पड़ी है, कोई बात नहीं, सब देवी माता की कृपा है। उसने जिस टाइम पे बुलाया होगा उसी टाइम पे जाएंगे। अरे बाप रे, मनसा देवी। और ये गाइस हमने लिया एक कुरकुरा रास्ते में खाने के लिए, ये हमने प्रसाद ले रखा है, और अब हम चल रहे हैं दोनों। तो गाइस देखो हमारा ब्लॉगर जिसका बुरा हाल हो चुका है, ब्लॉगर की हो गई हालत खराब। गाड़ी में ऐसे लेट रखे थे जैसे पता नहीं कितने दिन से तो गाड़ी में बीमार पड़े हो जाता है यार, सर घूम जाता बहुत गंदे तरीके से। ये देखो इधर व्यू दिखाओ, व्यू कतई जहर व्यू है। आते टाइम अगर टाइम रहेगा तो नीचे भी जाएंगे। हाँ यार वहाँ अच्छा लग रहा। ये देखो बहुत शांत जगह है, अगर आप लोग भी घूमना चाहें तो आना चाहें कहीं तो इधर बहुत अच्छी जगह है। ओह माय गॉड, ये देखो, ये देखो ऊपर से लेकर नीचे बस देखते जाओ। वाओ व्हाट अ नाइस प्लेस। गाइस लोग मंदिर से आ रहे हैं और हम अभी मंदिर जा ही रहे हैं, देखो क्या टाइमिंग है। देखो उल्टा दिमाग, पर भगवान के आगे भगवान, अरे यार ऐसे मत बोल, लड़के बोलेंगे बहुत अच्छी ब्लॉगर है। खुद को ही वो रोस्ट कर रही है। वाह ये देखो उधर दिखाओ क्या इधर, अरे बाप रे मेरा घर होना चाहिए था ना इधर। अच्छा जी बना लो फिर, क्या दिक्कत है। तो गाइस इसको ये जगह बहुत पसंद आ गई है, और ये यही रहेगी। हे बाबले कन जगह बड़ी बान हमारे जमीन में आती बहुत दिक्कत है भगवान क्या है, किसकी चलती है। भगवान ने बोला होगा कि तुम 5 बजे यहाँ पहुँचोगे तो हम 5 ही बजे पहुँचेंगे, है ना, बोलते ना 5 बजे। विधि, हाँ विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं जूम करती हूँ। ये देखो यहाँ पहुँचना है हमें, अभी बहुत है दूर। हाँ ले 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 अपनी पिक्चर। यार इसका मानना है कि आते टाइम हो जाएगी हमें रात, तो हमें ले लेनी चाहिए फोटो। तो ठीक है हम थोड़ी देर फोटो शूट करते हैं, उसके बाद मिलेंगे। फिर बोल, एक बार फिर बोलना जरा, क्या नेक्स्ट टाइम किसके साथ आएगी। नेक्स्ट टाइम आपके साथ आऊंगी। अरे पति के साथ है ये, उसी की मन्नत मांगने जा रही। गाइस आज मुझे ऐसा लग रहा है, कि इसको बहुत बढ़िया लग रहा है, कि इसको बहुत बढ़िया पति की जरूरत है। अच्छा जी अकेले कोई नहीं होता यार, बतेरा सबको जरूरत होती है। हाँ अबे नहीं वो बोला आप जरूरत पूरा करने के लिए पागल है। ब्लॉगिंग करते करते जा रही हूँ मैं ऊपर, वीडियो बनाते बनाते, ताकि मैं थकूँ ना। फोटो अच्छी आई है। गाइस यहाँ पे है बैठने के लिए, आप लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, अगर कोई थक जाए तो आराम करिए। जैसे कि हम थक रखे हैं तो हम थोड़ा आराम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद फिर से हमने चलना शुरू करना है और डेस्टिनेशन तक नहीं रुकना है, ठीक है।
आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, अच्छी लोकेशन है, दिखाना जरा उधर कितना मस्त है। और शाम को भी मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, देखो सर बढ़िया बात है ना, इसलिए थोड़ा चलने में मजा आ रहा है। गाइस ये देखो कितने बड़े बड़े डंगा आ रहे हैं, यहाँ से हमें कूदना है पहले तो हमें पहुँचना है। ओह माय गॉड यार बहुत दूर है, यहाँ पहुँचना है हमें, कहाँ पहुँचना है, इससे भी ज़्यादा गाइस हम आधे रास्ते तो पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट, और हमारी हालत हो गई ख़राब, पसीना पसीना, थोड़ा सा जो मेकअप किया था सब गया तेल लेने, गर्मी हो रही बहुत। अब मैंने तो दो दो तीन तीन स्वेटर पहन रखी है, ज्यादा तो कमी पहन रखा। अरे नहीं क्या बात है, क्यों नहीं पहना हुआ, एक जैकेट पहना हुआ बस। जय माता जी। गाइस फाइनली हम इतना ऊपर आ गए हैं, और नीचे नदी के किनारे जहाँ घर वर दिख रहे हैं वहाँ से चल के आए हम, अभी हम 10 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। जवानी का खून, अरे देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर। अभी तो मंदिर ऊपर और भी ज़्यादा सुंदर है, जब हम मंदिर के पास पहुँचेंगे वहाँ और भी अच्छा है। नीचे से आने के बाद जिस किसी को भी प्यास लगे यहाँ पे पानी पी सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुआँ है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर निकाल पाएगी क्या तू पानी, कैसे गंदा मतलब, उसको हटा देना, हटा दे उस पानी को, फिर नीचे से निकाल ले। और ये है गाइस यहाँ पे कुआं, और यहाँ से तुम पानी निकाल के पी सकते हो, यहाँ से नीचे इसको डाल बाल्टी को, हाँ डाल नीचे डाल, पूरा फेंक दे छोड़ दे। अबे अपुन ने पड़ता कौन होती कहीं, पहली बार मैं ऐसा काम कर रही हूँ, कहीं से मुख से तो बेट पूरा छोड़ दे, पूरा छोड़ दे, पूरा वहाँ छोड़, पानी नहीं उसमें है भाई, अब खींच ऊपर। Oh my God. आया ना? देखो गाइस ये बड़ी खुश हो रही है आज कुएं से पानी निकाल के, वो भी माता रानी के दरबार में। हाँ ये निकला पानी बाल्टी में देखो, और ये बहुत ठंडा पानी रहता, बहुत आ सकते हो तुम यहाँ पे पीने के लिए। संतला देवी के माता के मंदिर का फोटो का पानी का फोन फोन आ रहा है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, थोड़े रह गया बाल देखने, कैसा सोच रहे हे भगवान, थोड़े रह गया है, कुएं से हमने पानी भी पी लिया और कुरकुरे हमने ख़त्म कर दिए, और अब हम पहुंचने वाले हैं जहां तक मुझे याद है, थोड़ा ही है शायद अब, बाकी पता नहीं। जय माता दी। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये है पहला गेट, फर्स्ट गेट। वो है दूसरा, और उसके बाद सीधे तीसरा, उसके बाद पहुंच गए मंदिर में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक के लिए भी है, ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, मतलब ट्रैक है के साथ, और आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, बस जो जल्दी चल पाता हो, जिसको सांस की प्रॉब्लम ना हो। और इस मंदिर की मान्यता भी है गाइस, बहुत ऐसी मत समझता कि हम इतने दूर ऐसी आ रहे हैं, हम इतने दूर ऐसी आ रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। गाइस बोलो जय माता दी जोर से। ये देखो सेकेंड एंड लास्ट, लास्ट वन, ये लास्ट वन तो फाइनली हम पहुंच गए, बाप रे सांस भूल गए। ये देखो गाइस ये है माता का गर्भगृह, यहाँ पे माता है, माता को देख के बिल्कुल एकदम बॉडी पूरी झन हो जाती है यहाँ पे, बहुत
ये अंदर शायद आपको दिख रहा होगा, मैंने पूछ के ही वीडियो बनाया ना, बोला कि बना लो इसलिए बनाई है मैंने वीडियो। मेरी लड़की पूजा कर रही है, पूरी पूजा कर रही है यहाँ पे, पूरा ऐसे है, अच्छा है देखने में पूरा। गाइस यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप लोग कुछ मन्नत मांगते हैं तो पूरी होती है, तो ये पूरे मन्नत लोगों ने मानी हुई है, जितनी मांगी हुई है, जितने भी यहाँ पे चुन्नी और धागे बंधे हुए हैं, ये लोगों ने पूरी मन्नत मांग रखी है, मुझे भी दिखा। बाकी देखते हैं, मैंने भी थोड़ा सा इस बार कुछ मांगा है, अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है तो माता रानी की कृपा बनी रहे। जाओ भाई अब आप जाओ। ये भी बांध रही है गाइस, इसकी भी कुछ मन्नत है कि मैंने कहा चल तू भी बांध दे, तेरी भी पूरी हो जाए माता की कृपा से। और शांति बहुत है गाइस यहाँ पे, बहुत शांति है, सुकून है, मतलब सुकून की सांस लेनी है। हाँ है ना, पूरा नेचर है बढ़िया से एकदम, देखो पूरा। वैसे तो शीतला देवी का पूरा परिसर, और हम यहाँ पे बैठ रखे हैं अभी आराम से। फाइनली माता के दर्शन करके और थोड़ी देर शांति से बैठ के थोड़े बहुत फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस, मतलब मैं जा रही हूँ वापस, और ये भी, और ये माता का द्वार है। अंतिम बार आप लोग भी इसका दर्शन कीजिए मेरे साथ। और अब हम निकल चुके हैं घर के लिए वापस, टाइम देर भी बहुत हो गई है, देखते हैं नीचे जाके हमको गाड़ी मिलती है कि नहीं, क्योंकि हम अपना वाहन तो कुछ लेके नहीं आए हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आए हैं हम दोनों। तो उम्मीद ये है कि माता की कृपा से हमें गाड़ी मिल जाए जल्दी से, और अब हम अपनी स्थली पे पहुंच जाएं। कहाँ है भाई हमारी कर्म स्थली? कर्म स्थली हमारी अभी करणपुर। हाँ हमारी कर्म स्थली है कहाँ से? कर्म और कहाँ से है? करणपुर। हम दोनों करणपुर में रहते हैं, हमारी कर्म स्थली करणपुर, करणपुर है। हम दोनों की जन्म स्थली अलग अलग है, ये जौनसारी है और मैं गढ़वाली हूँ। मिचो गढ़वाली अच्छे जौनसारी और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि दोस्ती हमेशा बनी रहे माता की कृपा से। क्या बोल रही, क्या बोल फिर से बोल। जिंदगी में अच्छी चीजों को रखना चाहिए, जो आपको लगे ना कि आपके लिए सही नहीं हो। सही बात, जो आपको लगे आपके लिए सही नहीं है उसको समय रहते, वो इंसान हो, कोई चीज हो, वस्तु हो, जानवर हो, सब समय रहते निकाल दो, क्योंकि पछताओगे बाद में, बहुत पछताना पड़ता है बहुत जिंदगी में आप गलत। ये देखो भाई क्यूट क्यूट बच्चे, हेलो पपी, वहां पहुंच चुके हैं। फाइनली हम लोग निकल गए हैं, बस में बैठ गए हैं, और अंकल बहुत बढ़िया चला रहे स्पीड में, मस्त, जल्दी पहुंच जाएंगे हम। अब यहाँ क्रॉस रोड होते हुए जाएंगे हम घर, यहाँ से क्रॉस रोड नीचे नीचे है ना, तो वहाँ से जाएंगे। हाँ तो गाइस फाइनली अभी मैं घर पहुँच गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो रहा है टाइम, और मैं इस टाइम पे घर पहुँच गई हूँ। अच्छा रहा आज का हमारा घूमना फिरना जो भी था, अचानक ही प्लान बना हमारा 2:30 बजे के बाद हम संतला देवी घूमने गए हैं, और माता की कृपा से हमें गाड़ियाँ भी टाइम पर मिल गई थी, और अच्छा है वहाँ पर आप लोग भी जा सकते हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।